स्वागत है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के इस चैनल में और आज हम अपनी बेसिक के लास्ट वीडियो हम करने वाले हैं या फिर बेसिक का लास्ट लेक्चर हम कंप्लीट करने वाले हैं फिर इसके बाद हम प्रोनाउन को स्टार्ट कर देंगे विद डिटेल डिटेल के साथ हम प्रोनाउन को करने वाले हैं और आज हम देख लेते हैं कि इस बेसिक के लास्ट लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं देखो कंजंक्शन हमें देखना है प्रिपोजिशन हमें देखना है इंटरजेक्शन हमें देखना है और थोड़ा बहुत बेसिक रह गया था वर्ब का वो भी हम देखने वाले हैं देखो वर्ब में मैंने जितना आप लोगों को करा दिया है वर्ब में मैंने आप लोगों को इसके टाइप बताए टाइप में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये डूइंग होता है ये बीइंग होने का काम करता है ये हैपनिंग होने का काम करता है यानी ये तीन काम करता है वर्ब फिर मैंने आप लोगों को इसके दो टाइप और बताए थे मैंने आप लोगों को बताया था ये एक्टिव एक्टिव के तरीके से बिहेव करती है वर्ब एक ही पैसिव के तरीके से बिहेव करती है वर्ब एक्टिव में सब्जेक्ट कौन होता है डूअर होता

तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही जो मतलब बिल्कुल क्या जो हमने पिछली वीडियो में देखा था काफी टाइम हो गया उस वीडियो को डाले हुए टाइम टाइम नहीं मिला मिलते ही इसको मुझे लगा कि कंप्लीट कराना चाहिए तो आज कंप्लीट करा रहा हूं तो जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि मैंने आप लोगों को एक टर्म करवाई थी ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव इन ये वाली टर्म मैंने आप लोगों टर्म करवाई थी साथ ही बात आप लोगों को मैंने करवाया था कि डूइंग डूइंग बीइंग हैपनिंग ये वाली चीज मैंने आप लोगों को कराई थी साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक्टिव पैसिव ये वाली टर्म मैंने आप लोगों को वर्ब की करवाई थी पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में जब से हमने वर्ब का बेसिक देखना स्टार्ट किया है वहां पर ओके okay. आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्या करना है या फिर जो इस स्लाइड में आप लोगों को मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपको करना क्या है वीडियो पॉज करनी है और वीडियो पॉज करनी है और ये पांचों सेंटेंस के आप लोगों को पैसिव बनाने हैं फिर से आप लोगों को क्या बनाने हैं पैसिव बनाने हैं पैसिव कैसे बनते हैं बी की फॉर्म प्लस में वब की थर्ड फॉर्म वाला जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो इन चार पॉइंट पाँचों में आप लोगों को लगा के देखना है और इनके पैसिव बनाने हैं इससे आप लोगों को मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ तो एक बार आप वीडियो पोज करिए और बनाने की कोशिश करिए ओके उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जैसा मैंने कहा है वो किया होगा अगर किया होगा तो देखिए आप लोगों को वीडियो देखने का फायदा मिलेगा आपका टाइम इन्वेस्ट होगा वो सही जगह हो रहा है अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो देखो यार कोई फायदा नहीं है भली वीडियो अभी छोड़ो बाद में छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एट दी एंड आप कुछ सीख के नहीं जाओगे क्योंकि अगर आपने अपने हाथ से अपने दिमाग से चीजें नहीं की हैं तो कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का क्लियर अब मुझे इस सेंटेंस इन पांचों सेंटेंस में समझाना क्या था अगर जिन्होंने ट्राई किया होगा वो तो अच्छे से समझने होंगे कि सर आपने पैसे बनाने को कहा और पैसे बनाने में ना तो इसका पैसे बना ना इसका पैसे बना ना इसका पैसे बना ना इसका पैसे बना, बना और पैसे बना तो बना सिर्फ इस रीटा सेंग रोमांटिक सॉन्ग इसका पैसे बना था ए सॉन्ग ए सॉन्ग सेंग है थर्ड फॉर्म है ए ए ए सॉन्ग 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 रोमांटिक पूरा आना था ए रोमांटिक सॉन्ग आना था यहाँ पे रोमांटिक आएगा यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हम एक साथ ही उठाएंगे एक सारी चीजें ये नहीं है कि अलग अलग उठा के लेके चले जाएंगे रोमांटिक सॉन्ग वॉज संग बाय रीटा ओके तो ये इसका पैसिव बनना था बाकी का पैसिव क्यों नहीं बना एक बार जरा आओ आप लोगों को इससे क्या क्लियरिटी मुझे करवानी है देखो जरा पहले सेंटेंस को हम देखते हैं मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली इसमें वर्ब होगी हमारे सामने सिंग्स कर कौन रहा है ये मोहन कर रहा है तो ये हो गया आपके सामने सब्जेक्ट अब मोहन ने क्या गाया ये तो आंसर नहीं है लेकिन मोहन ने कैसा गाया ये जरूर आंसर मोहन ने मीठा गाया स्वीटली इस क्वालिफाई कर रहा है तो ये बनेगा एडवर्व ऑफ मैनर और यह वेरी स्वीटली बहुत ही अच्छा गाया तो ये वेरी स्वीटली को क्वालिफाई करने वाला एडवर्व ऑफ डिग्री अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर ये सब ये वर्ब होगी ये सब्जेक्ट हो गया

पैसिव जाते समय आप लोगों को क्या देखना था कि भैया जो एक्टिव में एक्टिव में क्या है ऑब्जेक्ट है और ऑब्टि में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा ये चीज तो आपको पता ही होगा कि, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब आनी जरूरी है और वर्ब के लिए उसका सब्जेक्ट आना तो हंड्रेड परसेंट लाजमी ही लाजमी है ये बाकायदा मैंने आप लोगों को लेक्चर में मतलब एक पूरी वीडियो के अंदर ये चीज समझाई है कि भाई इस वर्ब क्यों आएगी उसका सब्जेक्ट क्यों आएगा सेंटेंस के जितने भी टाइप करवाए थे मैंने आप लोगों को ये चीज करवाई थी सेम बात मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर देखो यहां पर वह भाई उसका सब्जेक्ट आया क्लियर अब इसका पैसिव मुझे लेके लेके जाना जाना था था इसका मुझे जाना था, तो में तो मुझे पैसिव पैसिव तो तो में क्या चाहिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिए और कौन होता है? होता है है जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट लेकिन ये तो सेंटेंस एक्टिव में है लेकिन इसका क्या है ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं तो पैसिव में सब्जेक्ट कहां से बनेगा तो इससे हमने जाना कि ये मोहन सिंह वेरी स्वीटली इसका पैसिव बन नहीं पाएगा क्लियर अगला देखो जरा गोज होगी मीन वो राम जो हो गया इसका सब्जेक्ट हो गया टू प्रीपोर्शन हो गया डेली इस प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट हो गया क्लियर इसका क्या पैसे यहां पर इस गोज वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला अगर इसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो पैसे में सब्जेक्ट क्या मिलेगा भैया सब्जेक्ट नहीं बनेगा सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा इसका पैसिव नहीं बन पाएगा क्लियर अगला सेंटेंस देखो मोहन फेल फ्रॉम दि स्टेयर फ्रॉम प्रिपोर्शन है स्टेयर इस प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट है फेल यहां पर है वर्ब और ये फेल यहां पर मोहन जो बनेगा इस फेलब का सब्जेक्ट बनेगा मोहन गिर गया यहां पर ये यह एक्शन इसके ऊपर हो गया ये एक्शन इसके ऊपर हो गया जब

टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया नाउन है क्लियर ये सारी चीज़ें मैंने कराई है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आया ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसका भी पैसिव नहीं है देखो काफी सारे बच्चों ने या मे भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो एक्टिव पैसिव के अंदर इन इन कुछ सेंटेंसिस में पांचों सेंटेंस में कुछ सेंटेंस का जिन मतलब तो ये चार जो मैंने ऊपर वाले लिखवाए हैं इनके अंदर क्या है कुछ सेंटेंसिस का पैसिव बन जाता है इसलिए वो ये मत सोचना कि पैसिव नहीं बना रहा हूं तो बनेगा ही नहीं अभी मैं बता नहीं रहा हूँ अभी मैं नॉलेज कम ही रख रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि वो वक्त नहीं है बताने का अगर वो चीज़ें अभी बता दी तो बच्चा पजल हो जाएगा मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हैं उसको पैसिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें मुझे वहाँ तक लेके जानी है तो इसलिए एक बार ये मान लो इन चारों का पैसिव नहीं बनेगा अब इन चारों में आपने क्या देखा ये वाली वर्ब जो कौन सी है ये डूइंग वर्ब है ये डूइंग वर्ब है ये वाली वर्ब कौन सी है? ये भी डूइंग वर्ब या है यानी मतलब इसमें एक्शन कर रहे हैं क्या कौन कर रहा है ये आप हो रहा है और डूइंग है तो इन सेंटेंसेज से हमने क्या सीखा सिर्फ और सिर्फ डूइंग वर्ब का ही पैसी बन पाया और डूइंग वर्ब में भी किसका जिसका ऑब्जेक्ट आया क्लियर देखो यहाँ पर ये डूइंग वर्ब है रीटा ने रीटा ने गाना गाया रीटा ने गाना गाया एक

मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ डूइंग वर्ब का ही डूइंग वर्ब का ही पैसिव uh, पॉसिबल है और डूइंग वर्ब में पैसिव उसका पॉसिबल है जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा बिना ऑब्जेक्ट के डूइंग वर्ब का पैसिव नहीं हो सकता ना ही बीइंग का हो सकता है और ना ही हैपनिंग का पैसिव बन सकता है अभी सोच लो कि मैं हाफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पूरी इंफॉर्मेशन में जब एक्टिव पैसिव पे जाऊंगा तब आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा रीजन ये है हाफ देने का क्योंकि आप लोग उतने परिपक्व या उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि मेरी बातें अभी आप समझ पाओ क्लियर हुआ तो रीजन मेरा यही है अभी सारी चीजें मैं आपके सामने खोल नहीं रहा हूँ बता नहीं रहा हूँ क्लियर हुआ ये वाली चीज़ें मुझे क्या समझानी थी कि भैया सिर्फ और सिर्फ डूइंग वर्ब का ही पैसिव बन सकता है और डूइंग में भी किसका जिसका ऑब्जेक्ट आ रहा हो बींग और हैपनिंग वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता यह तो हुई पिछले से, पिछले वर्ब की कुछ बेसिक बातों के बारे में थोड़ी और चर्चा अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम डिस्कवर करते हैं ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव की बात करनी है देखो ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव मैं क्यों करवा रहा हूँ उसका रीजन दे देता हूँ अब ना मैं इसके बाद आप लोगों को प्रोनाउन करवाने वाला हूँ समझ आओ प्रोनाउन करवाने वाला हूँ प्रोनाउन में एक कॉन्सेप्ट आएगा रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब क्या है मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं या फिर टीचर से जितनी बात की है वो क्या कहेंगे कि भैया फलां फलाना 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 फलान, मतलब वर्ब के साथ ये वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते ही आते मतलब वो इतनी सारी वर्ब लिखवा देंगे उन वर्ब के बाद ये बोलेंगे इनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी है अभी आपको नहीं पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है डोंट वरी मैंने अभी तक करवाया नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं मैं उस बता रहा हूं इसको सुनते चलो क्या कहेंगे या बुक्स में क्या मिलेगा कि भैया इतनी सारी वर्ब वो लगवा देंगे और वर्ब के बाद बोलेंगे इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी है अब क्यों आना जरूरी है उसका रीजन ये है कि भैया वो ट्रांजिटिव वर्ब है, होती हैं इन ट्रांटिव वर्ब होती हैं इसलिए वहां पर कभी ऑब्जेक्ट आता है और कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है क्लियर अब पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर भी आ, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को कराया था ट्रांजिटिव मतलब ट्रांस का मतलब होता है मूव मूव होना यानी एक्शन का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाना ट्रांसफर होता है ना वहां पर एक एक्शन का दूसरे एक्शन का या एक एक जगह से दूसरी जगह मूव होना वो क्या होता है ट्रांस होता है क्लियर तो इसके साथ ट्रांजिटिव लगा है यहाँ पर एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है अगर एक्शन का ट्रांसफर एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर हो जाए यानी कि उसको ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे ट्रांजिटिव अब कहेंगे और इन ट्रांजिटिव क्या कहेंगे इसका एक्शन का ट्रांसफर ना हो इस एक्शन का ट्रांसफर ना हो तो वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा यानी कहें जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे उसको हम इन ट्रांजिटिव वब कहेंगे

ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं फिर से लेके आऊंगा प्रोनाउन के अंदर अब यहां पर वर्ब को देखते हैं ये होगी वर्ब ये इंट्रोड्यूस करने का काम किया किसको ये मिस्टर गुप्ता ने किया तो ये बनेगा सब्जेक्ट नाउन है क्लियर प्रॉपर है अब यहां पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं ये कहने वाला हूं ये टू प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सी द आर्टिकल है ओके मैं ये बताने वाला हूं कि इंट्रोड्यूस जो वर्ब है इंट्रो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस जो वर्ब है वो एक ऐसी वर्ब है कि वो अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगेगी ही मांगेगी क्यों मांगेगी क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है सर आपको कैसे पता ये बताएटिव वर्ब है कोई तरीका आपने कैसे जाना कि इंट्रोड्यूस ट्रांजिटिव वर्ब है हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इन है एक तो सवाल ही है देखो आप किसी भी वर्ब को अगर ये जानना है कि वो ट्रांजिटिव है या इन है तो उसका सबसे बड़ा मतलब आपकी हेल्प करेगी वो रीडिंग जितनी रीडिंग करोगे जितनी बुक्स जितनी नॉवल्स जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे या जो भी आपकी मर्जी हो वो आपको पढ़ना होगा इन इंग्लिश ऐसा नहीं कि हिंदी में पढ़ने बैठ जाओगे इंग्लिश में पढ़नी होगी जब आप इंग्लिश में अपनी रीडिंग इन्हेंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जब जो ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं ये कैसे पहचानी जाती हैं कौन कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं देखिए थोड़ा सा एक ब्रॉड आइडिया मैं दूं थोड़ा सा एक ब्रॉड आइडिया मैं दूं देखिए ट्रांजिटिव वर्ब अगर कुल वर्ब हंड्रेड हैं तो उसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो आप लोगों को मिलेगी या फिर कहीं इन ट्रांजिटिव वर्ब और दोनों का मिक्सर यानी कि मिक्स मिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ मानो कि सत्तर वॉब परसेंट सत्तर परसेंट वॉब जो आपको मिक्स मिलेंगी मिक्स इन द सेंस कि एक ही वॉब ट्रांजिटिव भी बनेगी और वही वर्ब इंट्रांजिटिव भी बनेगी जैसे जैसे मैं कहता हूं टीच टीच जो वर्ब है वो ट्रांजिटिवली भी काम कर देती है, भी काम कर कर देती देती है है इसको आप ऑब्जेक्ट दे भी दो तब भी चल जाएगा इसको ऑब्जेक्ट ना दो तब भी चल जाएगा वो सत्तर परसेंट ऐसी वर्ब है, है। इन ट्रांजेटिव और इन ट्रांजेटिव मान लो टेन परसेंट है कि भैया ये अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे और ट्वेंटी परसेंट जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है वो कहेंगे हमारे बात तो ऑब्जेक्ट लगाओ हुई लगाओ ये रीजन है और आपको जो एग्जामिनर है वो इसमें फंसाने की कोशिश करेगा कि आप लोगों को ट्रांजिटिव वो पता नहीं होंगी और आप जो यहाँ पर एरर कराओ क्यों अब यही बात आती है कि सर इतनी सारी वर्ब है हमें कैसे पता चलेगा तो रीडिंग के परपस एक तो रीडिंग हो गया दूसरी चीज कि जितनी इंपॉर्टेंट वर्ब है उसको मैं करवाने वाला हूं एक स्टोरी बना रखी है उस स्टोरी के थ्रू आप लोगों के आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो सारी वर्ब्स आपकी नोटबुक में होंगी आपको अच्छे से याद होंगी वो मेरा काम है करवाना लेकिन उससे ज़्यादा आप लोगों को याद करना है तो रीडिंग का सहारा लेना पड़ेगा कुछ चीज़ें मैं मेरी लिमिट तक हैं वो चीज़ें मैं करवा सकता हूँ कि याद करवाना है कुछ वर्ब्स को एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो मैं करवा दूंगा स्टोरी के पर स्टोरी के बिहाव से या स्टोरी के थ्रू आप लोगों को वो चीज़ें याद हो करवा दूंगा मैं क्लियर इतनी चीजें समझ में आ गई तो मैं क्या कह रहा हूं ये इंट्रोड्यूस जो है वो ये कहता है कि मैं अपने बाद ऑब्जेक्ट लूंगा क्योंकि मैं ट्रांजिटिव वर्ब हूं और मेरे पास ऑब्जेक्ट तो जो है हंड्रेड परसेंट आएगा ही आएगा इसका तो ये बात बोलना है अब ये बात बोलना है तो इंट्रोड्यूस आया इंट्रोड्यूस आया तो अब आपके सामने रीजन ये है कि भाई रीजन या तो एक टू हटा दो तो इस वीसी को ऑब्जेक्ट पकड़ा दो तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं दूसरा ये है कि भैया उसने इंट्रोड्यूस किया है ये टू द वीसी यानी एक तरीके से देखा जाए उसने इंट्रोड्यूस किया है वीसी के सामने किसी को तो किया होगा अब किसी को किया है तो या तो एक काम करो यहाँ पर आप लगा दो मिस्टर गुप्ता ने खुद को हिमसेल्फ हिमसेल्फ कह दो मिस्टर गुप्ता ने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया मिस्टर गुप्ता ने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया वीसी के सामने क्लियर तो ये वीसी के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया ये हिमसेल्फ जो है यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करवाऊंगा मैं जब चीजों को अभी तक मैंने करवाया नहीं है तो मैं ये आप लोगों को ये बता इसलिए रहा हूं कि देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है अब क्या होती है इसके ऊपर एरर कैसे आते हैं वो चीज सीख रहे हो अगला दाऊ ही एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी अबाउट होगी प्रिपोर्शन थ्योरी होगी इस प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट द आर्टिकल हो गया एक्सप्लेन मेन वर्ब हो गया ये सब्जेक्ट हो गया सेम कॉन्सेप्ट यही है सेम कॉन्सेप्ट यही है यहां पर क्या है एक्सप्लेन क्या आना है इसके ऑब्जेक्ट आना है ऑब्जेक्ट आना, आना, आना है अब आपके सामने और अबाउट द थ्योरी थ्योरी के बारे में तो इससे ये पता चला है देखो ऊपर वाले में तो टू प्रिपोजन हटानी क्योंकि हिमसेल्फ लगाने से सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है लेकिन यहां पर देखो जरा हीसप्लेन हिमसेल्फ कर दू क्यान हिमसेल्फ अबाउट द ये यार कैसे पॉसिबल हो सकता है थ्योरी के बारे में ये चीजें कैसे होंगी भाई ये चीज ऐसे करो ना ही एक्सप्लेन ही एक्सप्लेन ही अबाउट हटाओ यहां से और इस एक्सप्लेट uh, को ऑब्जेक्ट बना दो मतलब कि एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट बना दो इस थ्योरी को तो ये प्रिपोशन का ऑब्जेक्ट ना बन के इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्लियर ये सारी चीजें करेंगे धीरे धीरे कि कहाँ से हमें हटानी है कहां हमें प्रोनाउन लगाना है, है? है, है। क्लियर हुआ अगला सेंटेंस आऊ अब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं मैंने पिछली क्लास में बताया था या फिर कहीं पिछली लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे वो उनके बाद कभी ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं जैसे वॉक हो गया रन हो गया गो हो गया ये वर्ब ऐसी है जो अपने बात अपने कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी ये हंड्रेड परसेंट इंट्रांसिटिव होती है ये उन 10 में से आती है क्लियर तो अब यहां पर देखो शी वेंट होम एट टेन एट हो गया प्रिपोशन पी एम फाइव पीएम हो गया इसका प्रिपोशन का ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ अब वेंट होगी मेन वर्ब और ये शी हो गया सब्जेक्ट अब यहां पर देखोगे सर ये होम सर ये होम तो नाउन होता है नाउन होता है तो ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया ना इसका ऑब्जेक्ट आ, आ गया मैंने कहा नहीं इसका ऑब्जेक्ट नहीं है ये ये वेंट जो है ये वर्ब है लेकिन होम इसका ऑब्जेक्ट नहीं है रीजन ये है क्योंकि ये भैया इन ट्रांजिटिव वर्ब है ये वोक जो है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट तुम लिख ही नहीं पाओगे तो ये होम बनेगा क्या अरे होम इस वेंट को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा अगर वर मैं ये लिखता ही वेंट देयर ही वेंट हेयर तो भाई वो हेयर देयर जो होती है वो एडवर्ब होती है एडवर्ब का जो बेसिक कराया था मैंने आप लोगों को करवाया था हेयर देयर क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं तो ये होम जो है यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपको करना क्या है <coughs> सॉरी आपको करना क्या है होम ये जो वर्ड है आपको एक बढ़िया सी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कैम्ब्रिज की डिक्शनरी या फिर लॉन्गमैन की डिक्शनरी इन तीनों डिक्शनरी में से कोई एक डिक्शनरी आपको अपने फोन में रखनी है और ये होम वर्ड वहां सर्च करना है और आपको देखना है ये होम वर्ड इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या-क्या बनते हैं पार्ट्स ऑफ़ इन द सेंस क्या ये नाउन है ये प्रोनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है कंजंक्शन है प्रीपोजिशन है इंटरजेक्शन है क्या है ये तो ये आप जब आप देखोगे तो वहां आपको मिलेगा कि होम जो है वो नाउन भी है वो एडवर्ब भी है तो वहां पर आप लोगों को काम करता है।, तो है वो एडवर्ब है ये नाउन नहीं है एडवर्ब क्यों है एडवर्ब इसलिए है क्योंकि ये वेंट जो है ये अपने बाद लेती ही नहीं है इसका ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता इसके बाद तो यहां पर होम को हम ऑब्जेक्ट नहीं इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बनाएंगे

ओके okay, ये सेंटेंस हो गया अगले सेंटेंस पे आओ वॉक वॉक हो गया मेन वो रीना इस वो, सब्जेक्ट हो गया विद प्रिपोर्शन है अमित इस का ऑब्जेक्ट है फिर से मैंने कहा ये वॉक जो होती है हंड्रेड परसेंट क्या होती है आ, क्या कहें इसको ट्रांजेटिव होती है इन ट्रांजेटिव होती है इन ट्रांटिव होती, होती है तो यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट ये होम जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ये क्या बनेगा एडवो बनेगा इसको क्वालिफाई करने वाला तो यहां पर क्या आएगा एडव एडव Place, प्लेस प्लेस ये है क्लियर अब एक चीज कि आप जब आप क्या करेंगे ये इस होम के बारे में आप सर्च करेंगे या फिर एक काम करिए आप इस वॉक के बारे में सर्च करिए इस वेंट के बारे में सर्च करेंगे या फिर इस वॉक के बारे में जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को ना वहां पर वॉक के बाद कुछ वॉक डेहली रन डेहली जैसे मैंने कहा रन रन एक इन वर्ब है और जब आप करेंगे तो इसके बाद शायद आपको कुछ नाउन लिखा भी मिल जाए डेहली सर ये तो नहीं हो सकता ना आपने होम तो चलो बना दिया डेहली तो आप एडवर्ब नहीं बना सकते मैंने कहा बिल्कुल सही तो लेकिन जरा देखना रन का मतलब वहां पर मीनिंग क्या होगा

ये विल हो गया हेल्पिंग वो विजिट मेन वो आई सब्जेक्ट आई विल विजिट विजिट कहां करेंगे होम करेंगे भैया होम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा सून सून जो है वो इस विजिट को क्वालिफाई करने वाला एडव बनेगा टाइम बता रहा है यूवर इसको ऊपर अधिकार जताने वाला प्रोसेसिव एडजेक्टिव बनेगा सर ये यहां पर होम एडजेक्टिव मतलब कि एडवर्व कैसे नहीं बना रीजन है ना इसके पहले यूअर आ गया और यूवर आएगा तो उसके बाद ऑब्वियसली ये होम जो वो नाउन बनेगा क्योंकि एडजेक्टिव जो वो नाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए आते हैं तो इन सब वर्ड से हम ये देख लेते हैं कि ये जो यूर है दा इससे आर्टिकल पहले लगा होता आ, तो यहां पर क्या कहते हैं हम ये नाउन होता समझ में आ रही है तो इन सब चीजों से हम थोड़ा बहुत लगा लेते हैं कि होम यहाँ पर नाउन बनेगा अब यहाँ पर ये यह नाउन है क्लियर क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है इस यूअर से हमने पता कर लिया ओके ये तो गया इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का थोड़ा बहुत इससे पहले मैंने आप लोगों को पैसिव एक्टिव का करवा दिया अब थोड़ा बहुत मुझे वर्ब का और ये बस लास्ट है वर्ब के बाद इसके बाद हम कंजंक्शन करेंगे प्रीपोजिशन करेंगे और इंटरजेक्शन करेंगे और हमारा बेसिक इम्प्री फिनिश करते हैं अब पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कराया था कि डूइंग वर्ब होती है डूइंग वर्ब होती है और एक बीइंग वर्ब होती है वर्ब होती है और एक हैपनिंग वर्ब होती है ये तीन वर्ब मैंने आप लोगों को करवाई थी डूइंग का मतलब होता है करना कोई एक्शन करता है बीइंग का मतलब होता है किसी का कुछ होना यानी अवस्था बताना अवस्था अवस्था बताना और हैपनिंग का मतलब होता है अपने आप अपने अपने आप कोई काम होना अपने आप कोई काम होना क्लियर तो देखो डूइंग और ये हैपनिंग ये दो चीज़ मुझे करवानी है बीइंग को एक बार मैं हटा रहा हूँ क्लियर बीइंग को मैं हटा रहा हूँ एक काम करते हैं हटाने के लिए इसको मैं रफ ही कर देता हूँ ओके okay? ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो तो डूइंग मुझे कराना है और हैपनिंग मुझे कराना है और यही चीज मैं करने वाला हूँ यहाँ पर okay? ओके जरा एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं डूइंग जैसे मैं कहता हूँ सिंग सिंग उसने गाना गाया तो यहाँ पर एक्शन हुआ गाना गाने का किसने गाया भैया कोई राम श्याम था उसने गाना गा दिया हैपनिंग हैपनिंग में कोई काम हो जाता है जैसे द सन राइज इन ईस्ट सन जो है वो पूर्व दिशा से उगता है तो उगने का काम अपने आप हो रहा है कोई कर नहीं रहा तो यहाँ पर यह हैपनिंग में आ जाते हैं क्लियर सेम इस चीज कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं यहाँ पर देखेंगे अमित ब्रोक यूर फेवरेट चेयर अगर मैं इसको सेंटेंस को ब्रेक करूँ तो ब्रेक करने का मतलब हो गया ये मेन वर्ब होगी ये ब्रोक करने का काम किया किसने अमित ने यह सब्जेक्ट हो गया नाउन है प्रॉपर है ब्रोक वर्ड क्या तोड़ दिया अब यह चेयर तोड़ दी ये बनेगा ऑब्जेक्ट चेयर कैसी थी फेवरेट थी तो एडजेक्टिव हो गया किसकी चेयर तुम्हारी चेयर इसके ऊपर अधिकार जताने वाला प्रोसेसिव एडजेक्टिव हो गया क्लियर हुआ यहाँ पे ओके अगला यहां पर आओ यूअर फेवरेट चेयर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है तुम्हारी चेयर तोड़ दी थी किसने तोड़ दी थी भाई अमित ने तोड़ दी थी तुम्हारी फेवरेट चेयर तोड़ दी थी अब यहां पर आओ जरा ए यूअर फेवरेट चेयर वो ब्रोकन बाय बाय हो गया प्रिपोरेशन अमित हो गया इस प्रीपोशन का ऑब्जेक्ट इसका एक्टिव का पैसिव बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे वो हो गया हेल्पिंग वर्ब ये होगी मेन वर्ब क्लियर चेयर जो है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया क्लियर फेवरेट इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव यूवर भी इसके अधिकार जताने वाला प्रोसेसिव एडजेक्टिव हो गया ओके okay. दोनों पे एडजेक्टिव एडजेक्टिव लिख रहा हूँ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या इस सेंटेंस का मीनिंग है कि तुम्हारी पसंदीदा कुर्सी तोड़ी गई अमित के द्वारा ओके इस सेंटेंस में आओ जरा। मुझे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस करवाना है क्लियर तो फेवरेट यूअर फेवरेट चेयर सेम वही है

गई अपने आप देखो यहां पर ये ब्रोक लगी form, ये ब्रोक लगी लगी हुई हुई थी पर वब की की का 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 पर का 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 एक एक सकती है वो डूइंग का भी बंद कर सकती है और happening का भी कर सकती है मैं क्यों बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है ये सेंटेंस देखोगे आज नहीं तो कभी ना कभी ये सेंटेंस देखोगे ऐसा कुछ और मैं क्या कह रहा हूं कि एक्टिव में एक्टिव में एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है डूअर होता है एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है वो डूअर होता है और यहां पर ये यह सेंटेंस किस में लिखा हुआ है सर ये एक्टिव में लिखा हुआ है ऊपर वाला किस में लिखा हुआ है एक्टिव में लिखा हुआ है तो यहां पर यह ब्रोक करने का काम किया किसने अमित ने किया तो अमित ने कुर्सी तोड़ी

है ठीक है ये सेंटेंस का मीनिंग ये मतलब ये जितने भी सेंटेंस है कराने का मकसद ये है कि एक वो जो है वो डूइंग का भी काम कर सकती है वो हैपनिंग का भी काम कर सकती है सेम जैसे कि मैंने कहा एक टीच वर्ब है वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है वो इन भी हो सकती है क्लियर अब ये सारी चीज़ें मुझे कराने इसलिए पड़ रही हैं कि देखो आप लोगों को रूल रूल रटने नहीं है रूल रटने नहीं है तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा ना अब आप लोगों को नहीं जानना है इस वर्ब के बाद ये आएगा या फिर इस वर्ब के बाद फलाना दिखाना ये सब चीज़ें आएंगी व अगर वो चीज़ें याद नहीं करनी है तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को करना पड़ेगा बेसिक तो आपको जानना पड़ेगा ना इसलिए मैं ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव हैपनिंग डूइंग बीइंग इन सब चीजों का बड़ा यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आए और आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाए और ये जो इतना भी कराने का पीछे मकसद है रट्टाफिकेशन नहीं है लॉन्ग लास्टिक आप लोगों के साथ चीज चलेगी है, ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम तक गए भैया आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगी आप इंग्लिश को पढ़ोगे लिखोगे समझोगे तो वहां पर ये चीजें बहुत काम आने वाली है ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता है समझ में आया ओके फोर्थ सेंटेंस पे आओ जरा और इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ ये सेंटेंस पैसे में लिखा हुआ है इसका ही मैंने बनाया हुआ है कि भाई तुम्हारी फेवरेट कुर्सी को तोड़ा गया यहां पर एक्शन जो है वो इसके ऊपर हो रहा है वैसे देखा जाए तो ब्रोक जो है वो इस चेयर के ऊपर ही हुआ है ये टूटने का काम हुआ कि इस, इस चेयर के ऊपर हुआ है दोनों ही सेंटेंस में देखो ये पैसी में है देखिये कितनी बढ़िया चीज है खरे कहा गया ये पैसी में है पैसी में यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है रिसीवर है ये एक्टिव में है एक्टिव में यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है वो रिसीवर है लेकिन ये वर्ब हैपनिंग है और पर ये वर्ब डूइंग है फर्क है यहाँ पे बड़ी ही मस्त इंग्लिश है ओके आओ अगला देखो जरा मोहित इज स्टॉपिंग दी बॉल इज होगी हेल्पिंग वो मोहित जो है वो स्टॉप कर रहा है क्या कर रहा है बॉल को ये होगी मेन वर्ब कौन कर रहा है स्टॉप का मोहित कर रहा है ये सब्जेक्ट हो गया स्टॉप कर क्या रहा है

डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ये होगी मेन वो ये एट प्रिपोर्शन है डिस्टेंस इज प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट है ओ प्रिपोर्शन है मीटर इज प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट है 100 इसको क्वालिफाई करने वाला एडब ऑफ एडजेक्टिव है न्यूमरल एडजेक्टिव बोलेंगे ए आर्टिकल है स्टोप ऑफ का सब्जेक्ट बनेगा बोल और द आर्टिकल है क्लियर यहाँ पे द आर्टिकल है ओके यहाँ पर समझो जरा यहां पर मोहित इस एक्शन को कर रहा है स्टॉप को कर रहा है इसका डुअर है यहां पे लेकिन ये स्टॉप यहां पर भी यहां देखेंगे तो ये दोनों एक्टिव में है ये दोनों एक्टिव में लिखे गए ये भी एक्टिव में है ये भी एक्टिव में है लेकिन यहां पर सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है लेकिन यहां पर सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है भले ही दोनों सेंटेंस एक्टिव में लिखे गए कैसे किया ये ये डूइंग है और ये हैपनिंग है हैपनिंग है समझ में आया यहां पर एक्शन अपने आप हो रहा है द बोल स्टॉप बोल अपने आप रुक गई हंड्रेड मीटर के डिस्टेंस पर मतलब सो मीटर ही थी और अपने आप होता है ना कि बोल जब उसको एक हिट किया जाता है हिट करने के बाद वो अपने आप रुक जाती है अब फिजिक्स में मत जाना उसके ऊपर घर्षण लगा ये सब हुआ उसकी इतनी मतलब स्पीड कम होती चली गई ऐसा मत करना भैया हम फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी एक भाषा पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टॉप है यहाँ पर हैपनिंग वर्ब की तरीके से बिहेव कर रही है और लेकिन यहाँ पर ये यह स्टॉप है वो एक डूइंग वर्ब के तरीके से बिहेव कर रही है इसलिए मोहित इसका डूअर है लेकिन बोल के ऊपर यहाँ पर एक्शन हो रहा है इसका रिसीवर बन रही है क्लियर एक्टिव पैसिव का ये समझ आना तो ये हो गया आपके सामने हैपनिंग डूइंग का इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, जैसे जैसे आगे आएंगे ये चीजों को मैंने ये सारी चीजें क्यों करवाई हैं ये ट्रांजिटिव इन ट्रांटिव ये एक्टिव पैसिव ये एक तरीके से आपकी रिविजन है आप लोगों को पता चल जाए इनहेंस हो जाए आपकी नॉलेज ओके okay. इन सब चीज़ों को जरा और देख लीजिए ये जो कुछ वर्ब होती हैं जो हैपनिंग वे वर्ब की तरीके से भी बिहेव कर देती हैं एरगेटिव वर्ब कहते हैं इनको और जो डूइंग वर्ब की भी होती हैं जैसे बिगिन किसी चीज़ का शुरू करना हो किसी चीज़ को शुरू कर भी सकते हैं आप आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी या फिर बारिश शुरू हो गई क्लियर हुआ ब्रेक ब्रेक यानी टूटना और एक होता है तोड़ना आपने किसी चीज़ को तोड़ दिया या फिर कोई चीज़ टूट गई चेंज वेदर का चेंज होना वो काम अपने आप होता है या फिर आपने किसी चीज़ को चेंज कर दिया तो आप देख रहे हो ये डूइंग भी हो रही है और ये हैपनिंग भी हो रही है क्रैक क्रैक यानी टूट जाना और आपने किसी चीज़ को क्रैक कर दिया मूव धरती अपनी जगह मूव कर रही है और आपने किसी चीज़ को मूव कर दिया तो ये काम हैपनिंग भी हो रहा है डूइंग भी हो रहा है ओपन कोई चीज़ अपने आप ओपन हो गई जैसे हवा में विंडो ओपन हो गई और एक चीज़ आपने भी ओपन कर दी आपने कोई डोर ओपन कर दिया स्टॉप कोई चीज आपने रोक दी या फिर कोई चीज जो है वो अपने आप रुक गई मेल्ट पिघलना कोई चीज़ अपने आप पिघल पिघलगी जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है और कोई चीज आपने पिघला दी मेल्टिंग कर दी आपने मेल्ट कर दिया ड्राई ड्राई यानी ड्राय सूखना कोई चीज़ अपने आप सूख जाती है जो कोई चीज़ हम धूप में रखते हैं तो वो सूख जाती है या फिर कोई चीज़ आपने खुद सुखा दी ड्रायर से आप अपने बाल सुखा लेते हो तो ये वाली चीज तो ये जितनी वब है वो हैपनिंग भी है वो हैपनिंग भी है और वो डूइंग भी है तो दोनों के मीनिंग है जरा आप लोगों को ये ये सारी चीज़ें करवाने का यही मकसद है कि वर्ब जो है वो हैपनिंग भी बन सकती है और डूइंग भी बन सकती है सेम वर्ब क्लियर आप यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं और ऐसी बहुत सारी हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को वो चीजें करवा दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आपकी नोटबुक में होंगी तो ये हो गया अपने सामने सारी चीजें वर्ब का बेसिक था वो वर्ब का बेसिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ वब का बेसिक बेसिक कंप्लीट होने में, में लगभग लग मुझे चार वीडियो लग गई हैं क्लियर तो अब हम वब के बेसिक के बाद हम कंजंक्शन पे आ जाते हैं और भी रह गया वैसे बेसिक डाइट ट्रांजिटिव वब रह गया वो इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार उसकी बाद में नीड पड़ेगी अभी तो जरूरत है नहीं तो उसको तब करवा लेंगे ओके अजीरन प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल ये भी बेसिक रह गए इसको हम प्रोनाउन के लेक्चर में कर लेंगे अब आओ जो रहा है यहाँ पे कंजंक्शन किसको कहते हैं कंजंक्शन क्या होता है इट ज्वाइंस टू वर्ड्स फ्रेज एंड क्लोज क्लोजिज मैं करवा चुका हूँ फ्रेजिज को मैं बाद में कराऊंगा और दो वर्ड्स दो वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं वो नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं दो नाउन हो सकते हैं दो प्रोनाउन हो, हो, हो सकते हैं या नाउन या प्रोनाउन दोनों भी हो सकते हैं दो वर्ब हो सकती हैं दो एडजेक्टिव हो सकते हैं दो एडवर्ब हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं दो एडजेक्टिव दो एडवर्ब ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं दो क्लोज भी दो क्लोज़ भी मैंने करवाए हैं आप लोगों को तो आप देखोगे तो मैंने ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ तो अब आज आप लोगों को बताना है कि कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑर्डिनेट कंजंक्शन ये वाली कंजंक्शन होती हैं इनका मीनिंग भी अलग अलग होता है जैसे एंड 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 का मतलब होता है और इफ़ का मतलब होता है अगर बट का मतलब होता है किंतु लेकिन ये सारी चीज़ें अपोजिट मीनिंग बताती हैं तो यहाँ पर जो कंजंक्शन है उनका मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे जब कंजंक्शन पे जाएंगे यहाँ पर बस ये बता रहा हूँ कि कंजंक्शन अलग अलग टाइप की होती हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है अब ये एंड जो है ये क्या था राम एंड श्याम इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजंक्शन आई हुई है यह हेल्पिंग वर्ब है वॉचिंग मेन वर्ब है क्या देख रहा है भैया मूवी देख रहा है ये ऑब्जेक्ट हो गया ये आर्टिकल हो गया ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हो गए क्लियर इन दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए मैंने कंजंक्शन लगा दी यहाँ पर देखो जरा इज हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है डांसिंग मेन वर्ब है मुकेश ईज सब्जेक्ट है मुकेश ही गा रहा है मुकेश ही नाच रहा है तो दोनों ही काम वो कर रहा है इसलिए दोनों काम को मैंने कंजंक्शन से जोड़ दिया ये सेंटेंस ऐसे था मुकेश इज सिंगिंग एंड ही इज डांसिंग भैया दो ही काम वो एक ही बंदा कर रहा है तो एक काम करो ना इतना लंबा लिखने की जरूरत क्या थी कंजंक्शन से दोनों एक्शन को जोड़ दिया और वही जोड़ दिया हमने अगला देख लो इफ यू कम लेट इफ होगी यहां पर कंजंक्शन यू हो गया सब्जेक्ट कम होगी मेन वर्ब लेट इस वब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब आई हो गया फिर से सब्जेक्ट नंबर

होती यहाँ पर देखो रन होगी मेन वो रन कौन दौड़ रहा है ये थीप जोड़ रहा है यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट कैसा दौड़ रहा है भैया फास्ट दौड़ रहा है इस रन को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया वेरी इसको फास्ट को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया ये एडजेक्ट दोनों ही एडवर्ब हो गए क्लियर एडवब एडवब को क्वालिफाई करता है ना बट कंजंक्शन है यहाँ पे कोर्ट कोर्ट होगी मेन वर्ब कोर्ट किस भैया हिम ऑब्जेक्ट हो गया किसने पकड़ लिया पुलिसमैन ने पकड़ लिया ये बनेगा सब्जेक्ट द आर्टिकल होता है तो देखो जरा इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है द थीफ रैन वेरी फास्ट थीफ दौड़ा बहुत तेज किंतु पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो मीनिंग कोशिश की बहुत ज्यादा लेकिन बावजूद उसके वो फेल हो गया ऐसा मीनिंग कन्वे कराना है विपरीत मीनिंग कन्वे कराना है तो बट कंजंक्शन का यूज हो जाता है यहाँ पे समझ में आए तो ये कंजंक्शन भी हम करेंगे जब कंजंक्शन पे चलेंगे यहां पर थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ डिटेल से तो बताने बैठा हूँ नहीं और हम कंजंक्शन तो इतनी बार कर चुके हैं इतनी बार हम कर चुके हैं कि कंजंक्शन अभी थोड़ा बहुत हमें समझने के लिए आसानी हो जाती है यहाँ पे क्लियर आ जाओ जरा प्री पोजिशन प्री पोजिशन यानी प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है Uh, स्थान यानी पहले स्थान किसके पहले स्थान आएगा भैया अपने ऑब्जेक्ट के पहले के स्थान पे आएगा इसका ऑब्जेक्ट कौन होता है ऑब्स ऑब्जेक्ट आएगा नाउन या फिर प्रोनाउन नाउन कौन होते हैं भैया जो पाँच काम करते हैं सब्जेक्ट बनना ऑब्जेक्ट बनना प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट बनना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन की जगह पे आते हैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन नाउन वीडियो नाउन की जो वीडियो थी उनकी भी उस वीडियो मैंने थोड़ा बहुत प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था ओके ये क्या है इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं शायद मैं थोड़ा बहुत तेज बोल रहा हूँ हैबिचुअल हूँ मैं इस तेज बोलने का क्या करें तो स्लो कर लेना वीडियो को और मुझे ये तेज बोलने का रीज़न ये है कि यार मैं पाँचवीं इसके बाद मतलब ये फिफ्थ वीडियो है मैं सिक्स वीडियो नहीं चाहता हूँ यार मैं सिक्स वीडियो करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं प्रोनाउन करवाना चाहता हूँ दैट्स वाई माई स्पीड इज़ वेरी फास्ट तो यही रीजन है कि मैं तेज बोल रहा हूं ओके okay? तो इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेना है स्पीड कम कर लेना आपके पास ऑप्शन है स्पीड कम करने का आओ जरा सेंटेंस इसको समझते हैं प्रीपोशन के बाद देखो ये तो किताबी डेफिनेशन है इट रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस कि भैया ये रिलेट कराता है एक नाउन को एक प्रोनाउन को बाकी के वर्ड्स के साथ सेंटेंस के सेंटेंस के बाकी के वर्ड्स के साथ ये रिलेट करवा देते हैं लोकल भाषा में हमारी आम भाषा में लेमन लैंग्वेज में बोलूं, इट इज यूज्ड टू एड न्यू एड फ्यू इंफॉर्मेशन इन ए सेंटेंस इसका प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के और कोई काम नहीं होता इसका जरा जरा सेंटेंस से समझते हैं वेंट होगी मेन वर्ब वेंट होगी मेन वर्ब ये वेंट गया कौन मोहन गया मोहन हो गया सब्जेक्ट अब जरा देखो टू आ गई प्रिपोर्शन के बाद उसका ऑब्जेक्ट दे दिया तो ये इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर दी वो कहाँ गया टेम्पल गया अब यहां पर फिर प्रिपोर्शन लगाई प्रिपोर्शन के बाद उसका ऑब्जेक्ट दे दिया प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट भैया किसके साथ गया अपनी माता के साथ गया प्रोसेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे तो फिर एक और इंफॉर्मेशन दे दी अपनी माता के साथ गया कब गया था फिर प्रिपोर्शन लगाई प्रिपोर्शन के बाद उसका ऑब्जेक्ट दे दिया ऑन संडे संडे गया था तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो प्रिपोर्शन लगाइए प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट रख दीजिए लगाइए को ऑब्जेक्ट रख दीजिए वो ही तो ऐड होती चलेगी वरना सेंटेंस तो यहाँ पर भी खत्म हो जाता वेंट के बाद। वेंट के के बाद बाद अगर पे फुल स्टॉप लगाते तो सेंटेंस गलत होना था सेंटेंस सही था मोहन वेंट मोहन गया कोई जरूरी तोड़ना कहां गया किसके साथ गया कब गया उससे कोई लेना देना नहीं हमको लेकिन ये जितने भी आए हैं वेंट के बाद ये आप लोगों को बता क्या रहे हैं ये बता ये रहे हैं कि भैया इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं कहाँ गया किसके साथ गया कब गया इंफॉर्मेशन नहीं तो दी इसने आगो अगला देख लेते हैं आर पर क्या हो गया आर यहाँ पे मेन वर्ब हो गया कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट है यहाँ पे एडजेक्टिव कॉन्फिडेंस होता है कॉन्फिडेंस uh, होता है नाउन कॉन्फिडेंट होता है एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दे आर कॉन्फिडेंट इसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये हो गया सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर ऑफ देखो दे आर कॉन्फिडेंट वो विश्वसनीय है किसमें विश्वसनीय है भाई वो सक्सेस ये प्रीपोजन है अपनी सक्सेस में ये प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट है दे और उनके ऊपर अधिकार जताने वाला प्रोसेसिव एडजेक्टिव है इन फिर से प्रीपोजन है एग्जाम एग्जाम के ऊपर एग्जाम इसका प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट बन गया क्लियर तो आप जरा देखो वे कॉन्फिडेंस है किस में भैया अपनी सक्सेस में किस से कि, किस में सक्सेस होगी उनके एग्जाम में तो ये इन्फॉर्मेशन ही तो ऐड कर दी तो प्रीपोर्शन क्या काम करती है प्रीपोर्शन का काम काम जो होता है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम आता है इन होगी एट होगी टू होगी फोर होगी फ्रोम होगी बिटवीन होगी ये जो चीजें हैं बिटवीन होगी अगेंस्ट होगी ये चीजें हमें देख चुके हैं अगेंस्ट हो गया या फिर फार ऑन हो गया एन टू हो गया ये बेसिक इनफो बेसिक प्रोनाउन क्या बोल रहा हूँ बेसिक प्रिपोजिशन है आप लोगों को ये लिख लेनी है अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जितनी जितनी प्रिपोजिशन आएंगी वो आप लोगों को बताता चलूंगा ओके okay, लास्ट है ये बट नोट लिस्ट इंटरजेक्शन इट इज इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इमोशन इंटरजेक्शन क्या काम आते हैं इमोशन के काम आते हैं आप खुश हैं आप उदास हैं आप दुखी हैं उदास और दुखी दोनों ही सेम हो गया आप रो रहे हैं जैसे भी आपकी फीलिंग्स को बताने के लिए आपके इमोशंस को बताने के लिए आते हैं सेंटेंस में देख लो वोन होगी मेन वर्ड वोन कौन किया वी किए तो सब्जेक्ट हो गया वोन वर्ट क्या जीत गए भाई हम मैच जीत गए तो ये बन गया ऑब्जेक्ट द आर्टिकल हो गया वी वोन द मैच हम मैच जीत गए तो आपकी यहाँ पर क्या बता रहा है मूड क्या है इमोशन क्या है खुशी का इमोशन क्या है आपके खुशी के हुर्रे हुर्रे ये जो है यही है इंटरजेक्शन यही है इंटरजेक्शन क्लियर हुआ अगला सेंटेंस देखो जरा हिज फादर डाइड अलास अलास मतलब ओ यार बहुत दुख हुआ तो ये वाली वो चीज होती है ना ये होगी इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन ये डाइड मेन है कौन मर गए भाई पिता मर गए इनके तो ये हो गया सब्जेक्ट किसके हिज इसके प्रतिकार जताने वाला प्रोसेसिव एडजेक्टिव ये कब मरे ये इस डाइड को क्वालिफाई करने वाला एडव टाइम है तो ये वाली जो चीज है ये एडव ये हुर्रे अलास ओ ये सारी चीजें क्या है इंटरजेक्शन है प्लीज ये वाली इंटरजेक्शन होगी तो आप लोगों को मैंने क्या क्या करवा दिया है मतलब सारा ही बेसिक कंप्लीट करवा दिया जितने भी आ, नाउन अपने मतलब नाउन क्या जितने भी पार्ट्स ओस स्पीच थे पार्ट सोस स्पीच थे उनके सब के हमने बेसिक देख लिया है और अब इसके बाद हम प्रोनाउन का प्रोनाउन का डिटेल से लेक्चर करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने वहां आएंगी जितना मैंने बेसिक कंप्लीट कराया है आपका बहुत वो मदद करने वाला है इस प्रोनाउन को समझने के लिए एटलीस्ट आप लोग जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस में आप जान पाएंगे यहाँ पे एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है ये वर्ब है ये नव नई प्रोनाउन वो चीज़ आप लोग वहाँ पे जान पाएंगे तो मेरा मकसद तो पहले तो यही था कि एट दी एंड आप लोगों को इतना तो पता चले जब मैं डिटेल पे जाऊं एक सेंटेंस लिखा हो कि उसके अंदर प्रोनाउन क्या है उसके अंदर एडजेक्टिव क्या है उसके अंदर वर्ब क्या है इतना पता हो इजीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले बेसिक करवाया आई होप सो so, आप लोगों को ये पूरी बेसिक पांच वीडियो तो वर्ब की होगी और भी होगी बहुत सारी वो वीडियोस मैंने करवा दी हैं तो ये जितनी भी वीडियोस आप लोगों को पसंद आई हैं समझ में आई हैं तो क्या करेंगे एक छोटा सा काम है लाइक करने का वीडियो को सब्सक्राइब करने का चैनल को और इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्या चाहिए पी चाहिए तो भाई आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मतलब कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा लिंक होगा टेलीग्राम का टेलीग्राम का वो लिंक होगा वो लिंक होगा फेसबुक का तो दोनों का लिंक मिलेगा जाकर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इसके आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिल रहे हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट मी मुझे भी सपोर्ट करिए अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में